नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छापर में चल रही ये का आज यहाँ रघुनाथ जी के मंदिर से एक साल तक कलश यात्रा शुरू होगी। गोविंद जी जाजू हमारे साथ मौजूद है, कुछ कहना चाहेंगे आप? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज जो अभी ये 23 तारीख से जो अपना 11 कुंडी यज्ञ हो रहा है, 1008 श्री गिरधारी बाबा पागल बाबा उनके सानिध्य में 11 कुंडी यज्ञ अभी प्रारंभ हो रहा है। तो आज 23 तारीख को इसमें कलश यात्रा शुरू हो रही है। रघुनाथ जी के मंदिर से कलश यात्रा अपने यज्ञ स्थल तक जाएगी। अभी उसके बाद में कल अरणि मंथन होगा, अरणि मंथन के बाद में यज्ञ प्रारंभ होगा। यज्ञ अपना 30 तारीख तक चलेगा, 1 तारीख को सुबह पूर्णावती होगी और फिर भंडारे का आयोजन है। तो मेरे तो सबसे ज्यादा पूरे गांव से अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव है सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, विशेष आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके और यज्ञ और ये पुण्य काम का लाभ उठाए। धन्यवाद धन्यवाद। ये हम रघुनाथ जी के मंदिर से आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ से कुछ ही समय में यहाँ से कलश यात्रा शुरू होगी जो यज्ञ स्थल तक पहुँचेगी। ज्यादा से ज्यादा भक्तगण कलश यात्रा में भाग लेना चाहे वो यहाँ जल्द से जल्द पधारे। बड़े बड़े विद्वान पंडित जी सभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। 11 कुंडी ये महायज्ञ छापर के अंदर, ये दूसरा महायज्ञ का कार्यक्रम छापर में होने जा रहा है और ये जाजुओं का नोहरा है वहाँ पे होगा। रघुनाथ जी के मंदिर से कलश यात्रा शुरू होगी। अरे कलश कितना मंगाया ऊपर? बैंड बाजों से ये कलश यात्रा यज्ञ स्थल तक पहुँचेगी। माताएं बहनें सब यहाँ पहुँच चुकी है जो कलश ले रही हैं। रघुनाथ जी के मंदिर का हम लाइव दृश्य आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही समय में ये कलश यात्रा शुरू होने वाली है और ये छापर के समाज सेवी धनाराम जी प्रजापत भी यहाँ पहुँच चुके हैं। राम राम, जय श्री राम। कुछ ही समय में यहाँ से कलश यात्रा शुरू होगी, कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को इस महायज्ञ के बारे में? इस विष्णु महायज्ञ के सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है जाजू परिवार से, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद। और ये बैंड बाजा भी यहाँ पहुँच चुका है। कुछ ही समय में यहाँ कलश यात्रा यहाँ से रवाना होगी जिसका पूरा लाइव वीडियो आपको इसी चैनल पे दिखाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ये अनाउंसमेंट भी हो रहा है। ये रंगोलियां सजाई गई है मंदिर प्रांगण में। रघुनाथ जी के मंदिर शुरू हो रही है। बता भाई माता बेरा नहीं पहुंचे हैं, मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जावे। आज के लिए मास्टर यात्रा प्रारंभ हो रही है। रघुनाथ जी का मंदिर ये कलश यहाँ तैयार हो गया और यहाँ छापर के समाज से भी जैन समाज के अध्यक्ष कालू जी भी हमारे बीच मौजूद है। इस यज्ञ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यज्ञ के बारे में जो 11 कुंडी यज्ञ है इसमें जो जाजू परिवार जो करवा रहा है, पागल बाबा जो आए हुए हैं, पागल बाबा के सानिध्य में, बाबा के सानिध्य में जो प्रोग्राम जो यज्ञ हो रहा है अभी उसकी कलश यात्रा शोभा यात्रा जो निकल रही है उसमें सारे छापरवासी जो है सम्मिलित है और अच्छा प्रोग्राम है। धन्यवाद धन्यवाद। और ये माताएं बहने यहाँ पहुँच चुकी है, कलश यहाँ पे तैयार है सभी। कुछ ही समय में यहाँ से कलश यात्रा शुरू होगी जो यज्ञ स्थल तक पहुँचेगी। Thank you.
कार्यक्रम की पूरी अपडेट हम आपको इसी चैनल पे दिखाते जाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से खाली यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर उसे सफल बनाए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ है। तो सभी लोगों से मैं खाली यही आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और इस पुण्य के आप लोग भी भागीदार बने। बगला बाबा के सानिध्य में ये यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और इसका एड्रेस आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कहाँ पे हो रहा है? देखिए, कलश यात्रा अभी रघुनाथ मंदिर से शुरू होकर अपने जो पवन भवनलाल जी पवन कुमार जाजू का नोरा है, जो कि राम बाबा मंदिर के पास है, वहाँ तक जाएगी और वहीं पर ही कल से यज्ञ शुरू हो जाएगा। तो सभी से बार बार एक ही आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूछो और इस पुण्य के भागीदार बनो। हाँ, एक नागर रघुनाथ जी के मंदिर का दृश्य हम दिखा रहे हैं। छापर में सबसे बड़ा मंदिर किसको कहा जाता है, मतलब इसका पता ही ऐसे ही है कि कहाँ पे हो बड़े मंदिर, बड़ा मंदिर रघुनाथ जी का मंदिर। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये कलश यात्रा सभी भक्तों तक पहुंच सके, जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। जाजू परिवार के द्वारा ये पगला बाबा के सानिध्य में दूसरा महायज्ञ यहाँ छापर के अंदर होने जा रहा है। सबसे पहला रामधाम भंडार में हुआ था, उसके बाद ये दूसरा यज्ञ यहाँ पे छापर में हो रहा है। विश्व शांति के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है और यहाँ बैंड बाजे यहाँ पहुंच चुके हैं। अरे बजाओ गनिये, बजाओ तो। ये देखिए, ये छापर के सुप्रसिद्ध बैंड वादक फिरोज बैंड के द्वारा ये यहाँ पे प्रस्तुति इस कलश यात्रा में दी जाएगी। छापर के समाज सेवी किशन जी सारडा भी यहाँ पहुँच चुके हैं। इस यज्ञ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे किशन जी? जो ये पगला बाबा के सानिध्य में ये दूसरा महायज्ञ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, हो रहा है।